मुश्किल है कि आखिर सच्चा कौन है और झूठा कौन है। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ बीजेपी की नुमाइंदगी करेंगे रविंद्र जुगरान जी, कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे राजीव जैन जी, अमिताभ जी हमारे साथ हैं ही। जो पूरा मामला है ये नसीमुद्दीन सिद्दीकी और रमेश पोखरियाल निशंक के बीच बयानों के आदान प्रदान से पैदा हुआ। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के घर पर हुए हमले का मामला राजनीतिक रंग लेने लगा है। निशंक ने आरोपियों के तौर पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष, बसपा के राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बेटे अफजल सिद्दीकी का नाम लिया, तो बीएसपी के महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने रमेश पोखरियाल निशंक पर गंभीर आरोप लगा दिए। यूं तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं, लेकिन इन फहरिस्त में एक आरोप और जुड़ गया है। जी हम बात कर रहे हैं बीजेपी के नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की। निशंक पर बीएसपी के कद्दावर नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने आरोप लगाया है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री उनके बेटे को बेवजह फंसाना चाहते हैं। दरअसल ये पूरा मामला है 29 मार्च का। 29 मार्च को रमेश पोखरियाल निशंक के घर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, जिसमें पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन मामले में ट्विस्ट तब आया जब बीएसपी महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बेटे अफजल का भी नाम इस मामले में आ गया। इधर नाम आया और उधर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने निशंक को आड़े हाथों ले लिया। मुख्यमंत्री पद से हटाए गए थे तो उनकी सिक्योरिटी भी हटा दी गई थी, उनको कल सिक्योरिटी मिल गई। अब आप उन्होंने ये आरोप लगाया किन्होंने? निशंक जी ने जिसने भी लगाए, मैं निशंक जी के साथ साथ जो भी ये कहता है कि मेरा बेटा या मेरे लोग थे, ये निराधार है, ये सत्यता से परे है। अगर मेरा बेटा मेरे लोग थे तो उसमें FIR में इन्होंने क्यों नहीं दिया? नसीमुद्दीन सिद्दीकी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री खजान दास नसीमुद्दीन के बयान की निंदा कर रहे हैं। आईपी क्षेत्र में जिस तरह से जो हुआ है, जो हादसा हुआ है, इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए। और जिस तरह से एक वरिष्ठ लीडर्स अगर इस तरह का बयान देता है, उत्तर प्रदेश के माननीय विधायक जी जिनके साथ हथियारबंद लोग चलते हैं, मुझे लगता है कि ये निंदनीय है। और उन्होंने अगर इस तरह का आरोप किया कि ये ड्रामा हुआ है, ये माननीय निशंक जी ने इस तरह से अपने आप ही कुछ किया है, तो ये दुखद है और चिंताजनक विषय है। दोनों बयानों को सुनने के बाद अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वास्तव में कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अजीत त्रिपाठी, समाचार प्लस। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भाई रविंद्र जुगरान साहब, मैं आपको पूरा बोलने का मौका दूंगा, यह चर्चा की शुरुआत में ही आपको इंश्योर करना चाहता हूं, आपकी तमाम आशंकाएं निर्मूल होती हैं इस बारे में कि मैं आपको पूरा बोलने का मौका नहीं देता। मैं शुरुआत आपसे करूंगा। ये जो पूरा का पूरा मामला है, कि लगता नहीं आपको कि ये स्तरहीन होता जा रहा है? नसीमुद्दीन सिद्दीकी कह रहे हैं कि साहब निशंक साहब दरअसल अब तो कुछ रहे नहीं, बीजेपी में भी उनकी हैसियत को कम कर दिया गया, तो अब वो सुरक्षा बढ़वाने के लिए ये तमाम टेंट्रम्स अपना रहे हैं। खजानदास साहब अपना एक अलग बयान दे रहे हैं। मैं कहता हूं ये सारी बातें बंद कमरे में डिस्कस हो सकती थी। क्या पूर्व मुख्यमंत्री के घर में अगर घुसे, ये सरासर गलत है, ये मर्यादाओं का तकाजा नहीं है। लेकिन इन बातों को हम सार्वजनिक स्तर पर करके हम क्या संदेश देना चाहते हैं जुगरान साहब? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जी जुगरान साहब। हाँ, इसमें अग्रवाल साहब, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पहले तो जो भी ये घटनाक्रम हुआ है, हाँ, ये देहरादून की अस्थायी उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी के सबसे जानी मानी रोड है राजपुर रोड, हाँ, और जो कैंट रोड है VVIP रोड, हाँ, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के आवास के बगल में राजभवन है, हाँ,
और 100 मीटर आगे जाएंगे तो मुख्यमंत्री आवास है, तो पूर्व मुख्यमंत्री आवास के बगल में राजभवन और फिर चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस और उससे पहले भगत सिंह कोश्यारी जी का आवास है कैंट रोड पर। तो ये वैसे भी वीवीआईपी रोड है, राज्यपाल आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी वीवीआईपी आता है तो इसी मार्ग से गुजरता है। सबसे पहले तो जो भी घटनाक्रम हुआ सरकार की यह जिम्मेवारी बनती है, प्रशासन की यह जिम्मेवारी बनती है, पुलिस की यह जिम्मेवारी बनती है कि जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने हथियारों का खुला प्रदर्शन करकर वहां पर हथियार हवा में लहराए, यहां तक कि वो पूर्व मुख्यमंत्री के आवास में तक घुस गए, अब ये कोई प्लैंड तो नहीं रहा होगा, मुझको ऐसा लगता है ये अचानक से घटा एक घटनाक्रम है। लेकिन यह बड़े खेद का विषय भी है, और क्योंकि देहरादून की फिजा और उत्तराखंड की फिजा हमेशा यह शांतिपूर्ण शहर रहा है, क्राइम फ्री शहर रहा है, क्राइम फ्री स्टेट रहा है, यहां क्राइम करने वालों को, साथ में बंदूक लेने वालों, गार्ड्स लेने वालों को कभी जो है कोई अच्छी नजर से नहीं देखा गया है, या कोई जो शो ऑफ करते हैं यहां लोग जो, या गुंडई करते हैं उनको यहां पब्लिक टॉलरेट नहीं करती है, ठीक है, चाहे वो उत्तराखंड के लोग हों या उत्तराखंड से बाहर के लोग हों, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से अगर हमारे जो नसीमुद्दीन शाहजी हैं, सिद्दीकी साहब हैं, हाँ वो कोई आरोप अगर लगा रहे हैं तो मेरा उनसे नम्र निवेदन है कि उत्तराखंड में भी उनकी सरकार, उनकी पार्टी का यहाँ समर्थन चल रहा है सरकार को, हाँ। सेंटर में भी मिलजुल के सब लोग चल रहे हैं, हाँ। तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी से या इस सरकार से सारे मामले की जिस तरह से भी जांच चाहते हैं, जुगरान साहब मैं तारीफ करूंगा आपकी, आप पूरी ईमानदारी से बिना लाग लपेट के और पूरी निष्पक्षता से आप सारी बातें कर रहे हैं, मैं तारीफ करूंगा आपकी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी से कल मेरी बातचीत हुई काफी देर तक, तकरीबन आधा घंटा मेरी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने मुझे हमारे चैनल पर उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत भी की, उन्होंने एक ही बात कही, उन्होंने कहा कि जब साजिशन मेरे बेटे का नाम इस पूरे मामले में घसीटकर मेरे परिवार के ऊपर हमला किया जा रहा है, मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, तो फिर मुझे तो ये बोलना ही पड़ेगा। आप कैसे मेरे परिवार की प्रतिष्ठा धूमिल कर सकते हैं जब अफजल उस दिन वहां पर था ही नहीं, मेरे पास प्रमाण है कि वो पूरे उत्तराखंड प्रदेश में ही नहीं था, और जो आरोप लगाए जितेंद्र सिंह रावत ने, उसने कहा कि साहब मैंने अफजल सिद्दीकी को पहचाना, तो बोले ये जब झूठे और अनर्गल बातें होती हैं दिक्कत वहां पर शुरू होती है। जैन साहब, सर दिक्कत क्या यहां से शुरू होती है कि जब हम सार्वजनिक स्तर पर राजनीति में माइलेज देने के लिए और स्कोर सेटल करने के लिए ऐसे अनर्गल बयान देना शुरू करते हैं? निश्चित तौर पे जब बिना जानबूझ के, बिना किसी चीज की पहचान किए कोई भी आरोप लगाना, हाँ, सार्वजनिक जीवन में ठीक नहीं है, मैं उस चीज को स्वीकार नहीं करता, हाँ। लेकिन मैं उसके साथ एक चीज और बोलना चाहता हूँ, अभी वो भी इस घटनाक्रम से जुड़ी हुई बात है, हाँ। जिस दिन का ये घटनाक्रम है, मैं भी लगभग इन लोगों को मैंने देखा था, हाँ। बीजापुर गेस्ट हाउस देहरादून हमारा जो सुरक्षा का मुख्य स्थान है, वहाँ पे इस किस्म की यही जो गाड़ियां मैंने बाद में भी आपके चैनल में देखा है, ये गाड़ियां वहाँ पे थी, और केंद्रीय मंत्री माननीय हरीश रावत जी, उस दिन उनके दो कार्यक्रम थे, हम उनके साथ वहाँ पे आए, जब वो कार्यक्रम में जाने को तैयार हुए तो ये उससे पहले ये गाड़ियां पोर्च में थी लगी हुई, तो हम में से किसी ने कहा भाई जरा ये गाड़ी हटा लो, तो उन लोगों ने हटाई नहीं, तो मंत्री जी जो केंद्रीय मंत्री है उनकी गाड़ी थोड़ा आगे लगा के उसमें उस गाड़ी को बिठाया गया, और हमारे जाने के बाद ये घटनाक्रम हुआ। तो मैं समझता हूँ कि जो उनका एटीट्यूड था, उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, वो बहुत ठीक नहीं थी, और मैं समझता हूँ कि मैं जुगरान जी की बात से इस बात पे सहमत हूँ, हाँ। कि हमारे उत्तराखंड का ये कल्चर नहीं है ना, हाँ। हमारे उत्तराखंड की ये सभ्यता नहीं। जैन साहब पसंद किया गया। जैन साहब आप जो कह रहे हैं वो आपने जब खुद देखा है, आप मौके पर थे, सही कह रहे होंगे कि उनका एटीट्यूड सही नहीं था, तो फिर जब पहली FIR दर्ज हुई तो उसमें अज्ञात लोगों का जिक्र क्यों किया गया? जब उनको आपने हिरासत में ले लिया था, जब उनको आपने रोक लिया था, पकड़ लिया था, तो उनके नाम डलने चाहिए थे। फिर एक दिन बाद जितेंद्र सिंह रावत जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, ABVP के सदस्य हैं और निशंक साहब के करीबी बताए जाते हैं, कृपा पात्र बताए जाते हैं, करीबी के कृपा पात्र ही होंगे, कहा जा रहा है कि फिर उन्होंने दो दिन बाद अफजल सिद्दीकी का नाम उस FIR में इंक्लूड करवाया।
अगर उन्होंने अफजल सिद्दीकी को मौके पर देखा था मारपीट करते हथियार लहराते तो पहले दिन पहली एफआईआर में उसको नाम शामिल कराना चाहिए था। तो ये भी तो एक फेल्योर है। देखिए मैं जो अपने मोनी भाई की कोई पैरवी करने की मंशा से ये बात नहीं कह रहा हाँ। लेकिन मैंने जितनी बात देखी मैंने आपको बताया हम लोग चले गए थे हाँ। उसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ मेरे को नहीं मालूम है और उन्होंने जो किया है उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है और 5 लोगों को उसमें अरेस्ट कर जेल भेजा गया है हाँ, ठीक और निश्चित तौर पर उसमें जांच भी चल रही है। जुगरान साहब जो सवाल मैं जैन साहब से पूछ रहा हूँ वही सवाल मैं आपके ऊपर भी लेकर आता हूँ। अगर पीड़ित पक्ष ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बेटे को वहां पर हथियार लहराते और दादागिरी करते और मारपीट करते देखा था तो 2 दिन बाद एफआईआर में नाम शामिल क्यों कराया गया? अगर डे 1 में जो सबसे पहले एफआईआर हुई थी उसमें सबसे ऊपर है उसी का नाम होना चाहिए था अफजल का। मैं इसका जवाब देता हूं। हाँ प्लीज। देखिए सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा होता कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब जो है उस दिन देहरादून में किसी फंक्शन में आए हुए थे हाँ। उनकी जानकारी में जब ये पूरा घटनाक्रम आया तो एक अच्छे नेता के रूप में एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन के रूप में हाँ। उनको आगे आके यहाँ के आला अधिकारियों से पुलिस के बात करनी चाहिए थी या हाँ। सरकार से बात कर लेते हाँ। किसी विधायक मंत्री से कर लेते आला अधिकारी से और जो भी घटनाक्रम हुआ उसमें वो आके मीडिएटर की भूमिका में रहते हाँ। जिन लोगों से गलती हुई है उनका सरेंडर कराते हाँ। और दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। ठीक बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रथम दृष्टया आम आदमी की नजर से हम सबने देखा समाचार पत्रों में पढ़ा और जो जानकारी मिली उससे तो स्पष्ट हुआ है कि गुंडई हुई है दबंगई हुई है हथियार लहराए गए हैं और वो भी अगर पूर्व मुख्यमंत्री के आवास में घुसकर ये सब कुछ हो रहा है वीवीआईपी रोड के अंदर तो ये निंदनीय है। इस पर एक्शन होना चाहिए कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो आप कह रहे हैं कि दूसरे दिन रिपोर्ट में नामजद किया गया तो ईमानदारी से जो मैं महसूस करता हूं हाँ, हाँ। जो पूर्व हमारे छात्र नेता हैं जितेंद्र रावत और उनके साथी शायद प्रथम दिन वो किसी को जानते ना रहे हों हाँ। नाम से शक्ल से भी ना पहचानते रहे हों लेकिन बाद में जब उनके सामने उनका जो शक्ल और वो फिगर लाया गया हो तो उनको मालूम चला हो कि इसमें अफजल भी थे। लेकिन इस बात की भी कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। अगर जांच करा लें सहयोगी दल की सरकार है वो सहयोगी दल है अगर अफजल नहीं थे तो कोई जबरदस्ती अफजल तो नहीं आ जाएंगे तो उसमें जांच करा लें। हम किसी के अगेंस्ट नहीं है लेकिन हम यही चाहते हैं कि ये जो भी कृत्य हुआ ये अति निंदनीय है और जिनके घर पर हुआ और जिनके पीछे वो लोग गए उनको मारने के लिए उनके द्वारा तो इस पर काम होना ही चाहिए बातचीत होनी चाहिए गिरफ्तारी। मैं आपसे फिर सहमत हूं। साथ साथ सरकार की भूमिका भी होनी चाहिए। मैं आपसे सहमत हूं जुगरान साहब आप जो बातें कह रहे हैं मैं सारी बातों से सहमत हूं कि ये निंदनीय है इसकी भर्त्सना होनी चाहिए ये नहीं होना चाहिए। लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी से हमने कल बातचीत की थी मैं उस बातचीत का कुछ एक अंश चाहता हूं कि मैं हमारे सहयोगी उसको सुनाएं जिसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी दावा कर रहे हैं कि उनका बेटा अफजल उस दिन उत्तराखंड प्रदेश में था ही नहीं। सिर्फ ये वाला हिस्सा मैं चाहता हूं कि जरा हम दर्शकों को सुनवाएं। जी जी। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। सिद्दीकी साहब निशंक साहब जो आरोप लगा रहे हैं इनमें कितनी सच्चाई है? किस मामले क्या आरोप क्या है जो आरोप लगा रहे हैं कि आपके सुपुत्र अफजल सिद्दीकी ने और उनके साथियों ने उनके घर में घुसकर फायरिंग की मारपीट की? देखिए ऐसा जहां तक अफजल सिद्दीकी का सवाल है तो जिस समय की वारदात लिख के दी गई है उस समय अफजल सिद्दीकी उत्तराखंड प्रांत में था ही नहीं। जी जी जुगरान साहब जी जी नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक बड़े कद के नेता हैं कोई छोटे मोटे नेता नहीं है मायावती के सबसे भरोसेमंद राइट हैंड हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभार वाले कैबिनेट मंत्री रहे हैं अभी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं और अगर वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के नंबर 1 न्यूज चैनल पर एक्सक्लूसिव बात करते हुए ये बयान दे रहे हैं कि अफजल वहां पर नहीं था प्रदेश में नहीं था और मेरे पास के प्रमाण हैं तो फिर वाकई कांग्रेस की सरकार को अपने सहयोगी दल के इस बड़े नेता के दावों की जांच करानी चाहिए। जुगरान साहब मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी भी आदमी का कद उसके पद और उस पद पर वो बैठा है उससे नहीं मैं मानता हूं हाँ।
मैं नसीमुद्दीन साहब को ज्यादा अच्छा मानता कि जिस दिन ये घटना घटी अगर वो स्वयं आगे आके इसको सुलझाने में या जिन लोगों द्वारा ये घटना करी गई थी उनको पुलिस की कस्टडी में ले आते, दूध का दूध पानी का हो जाता है। जहां तक उनका जो बयान है, जहां तक वो इस बात को बड़े प्रभावशाली तरीके से कह रहे हैं कि उनका जो बेटा है वो उस दिन उत्तराखंड प्रांत में नहीं था, तो ठीक है, उनकी सहयोगी दल की सरकार है, उससे जांच करा ले, हमें कोई आपत्ति थोड़ी है। जैन साहब क्या जबरदस्ती थोड़ी ना करना चाह रहे हैं। जैन साहब अभी तक तो ये जांच हो जानी चाहिए थी। निश्चित तौर पर इसमें जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है, जेल भेजा गया है, उसके अलावा भी जांच का काम चल रहा है और पुलिस अपने स्तर पर इसकी जांच कर रही है और जो भी दूध का दूध और पानी का पानी सामने आने वाला है उसमें कोई संशय की स्थिति। अमिताभ मित्री जी बहुत गठबंधन धर्म का पूरा पालन कर रहे हैं जैसे कांग्रेस हमेशा करती है और बहुत संभल संभल के बोल रहे हैं जैन साहब। नहीं देखिये, मुझे तो हैरानी इस बात पे जैसे अभी राजीव जैन जी कह रहे थे कि उस गेस्ट हाउस में जहां हरीश रावत जी थे उस गेस्ट हाउस में इन्होंने उन लोगों को देखा जो लोग उत्पाती थे, जिनको बाद में पुलिस ने गिरफ्तार किया। हाँ, तो गेस्ट हाउस में रुके होंगे तो नाम पता कुछ लिखा होगा रजिस्टर में, नहीं आकाश से तो टपके नहीं होंगे, न बलात् घुस गए होंगे, सर्किट हाउस में कब्जा कर लेंगे आज, ऐसा तो होता नहीं। जिनकी गाड़ियां पर रार हुई और जब गाड़ियों पर रार हुई उसी प्रदेश का नेता, केंद्र में मंत्री, उसी की सरकार, तब जो लोग केंद्रीय मंत्री के लिए गाड़ी हटाने को तैयार नहीं हुए वही पुलिस ने उनके दो दो डंडे मार के हिरासत में क्यों नहीं ले लिया? ये आगे घटना ही नहीं बढ़ती। आखिर कहीं कोई सुरक्षा तो लगती होगी ना, जब हरीश रावत आते होंगे एक प्रोटोकॉल मिलता होगा उनको, वाजिब सुरक्षा मिलती होगी। अगर वहां उनके कार्यकर्ताओं को ये लगा कि उस दबंग टाइप के लोग हैं जो हमारे कहने से भी नहीं हट रहे, तो वही कार्रवाई हो जानी चाहिए थी तत्काल। ऐसे लोगों को फिर छोड़ा क्यों कि चलो थोड़े मंत्री जी थोड़ा आगे से बैठ जाएंगे, गाड़ी आगे लगा लो। दूसरी बात, ये रार जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आई इसमें सबसे प्रामाणिक बात कौन कह सकती था? शासन, पुलिस। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को या रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक को बोलने की जरूरत ही नहीं, बोलना तो पुलिस को चाहिए था। पुलिस बताती ना कौन है कौन नहीं है। पुलिस मौन, नेता वाचाल, ये क्यों? ये मामला तो अपराध का है, ये कोई राजनीतिक मामला तो है नहीं कि इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस नेता लोग करेंगे, ये अपराध का मामला है। और उतनी हाई सिक्योरिटी जोन में इस ढंग से लोग नाना प्रकार की नई पुरानी गाड़ियां लेके, असले लेके, जो भी दृश्य था वो एक फिल्मी स्टाइल में रिहर्सल करते हुए कैसे आ गए? कोई किसी के घर में घुस जाएगा? ये एक प्रशासन की चूक का मसला है राजीव जैन जी, ये वहां का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है ये उसका फॉल्ट है। कैसे मूव कर सकते हैं लोग इस ढंग से उस सिक्योरिटी जोन में जहां गवर्नर का निवास है, जहां मुख्यमंत्री का निवास है, जहां तमाम पूर्व मुख्यमंत्री और प्रभावशाली लोगों के निवास है, वहां यह हंगामा हुआ कैसे? सवाल ये नहीं कि नसीमुद्दीन का बेटा है कि नहीं है, जो हो उसको बुक करो, अपराध की इजाजत तो किसी को नहीं, ठीक बात है। लेकिन बड़ा प्रश्न ये कि जब हरीश रावत जिस गेस्ट हाउस में थे वही रार हुई आप लोगों की उनसे, तो वही उनको निरुद्ध क्यों नहीं कर दिया गया? एक कारण बनता था आपके पास, तो देहरादून पुलिस क्या करती रही? सवाल ये भी है, रार कोई नहीं हुई, मैं आपसे सिर्फ एक प्रेफरेंस के लिए मैंने बताया कि वो गाड़ियां पहले से वहां मौजूद थी, वहां पे पोर्च के अंदर खड़ी थी, तो रावत जी खुद ही थोड़ा आगे से बैठ गए। हमारा उत्तराखंड का जो कल्चर है, हमारा चाहे कोई बड़ा से बड़ा नेता हो और चाहे कोई छोटे से छोटा नेता हो, तो वो बिल्कुल इन सब चीजों को अवॉइड करता है और अपना राजीव जी हरीश रावत जी तो अपने साथ एक पुलिस का सिपाही भी नहीं रखते हैं कभी। अरे भाई, मैं जानता हूँ हरीश जी को और उत्तराखंड के कल्चर को भी जानता हूं, लेकिन ये सवाल कल्चर का नहीं है, ये सवाल सिक्योरिटी का है। अगर उनके एक सिपह सलार राजीव जैन को ये लगा हरीश रावत के, जो अभी उन्होंने कहा था कि उनका एटीट्यूड अच्छा नहीं था उन लोगों का, इतना ही बहुत बड़ा कारण है मंत्री के साथ उनको निरुद्ध कर लेने के लिए।
एप्रिहेंशन में गिरफ्तारी हो जाती है। कानून पढ़िए, इसमें उत्तराखंड का कल्चर क्या करेगा? कल्चर हो या नहीं हो उससे क्या फर्क पड़ता है? गवर्नर का प्रोटोकॉल तो गवर्नर के साथ रहेगा ना, कल्चर कोई हो आपका। मंत्री का प्रोटोकॉल तो मंत्री के साथ ही रहेगा, कल्चर से क्या इसमें फर्क पड़ता है? जैन साहब, देहरादून पुलिस से चूक हुई मानिए, सत्यनारायण की कथा करनी है तो घर में करो। इसमें कल्चर का प्रश्न नहीं कि हम लोग बड़े सद्भावी हैं, बड़े प्रेमी हैं, बड़े उल्लास से रहते हैं, सद्भाव से रहते हैं, ये ठीक है, गौतम बुद्ध के उपदेश ठीक है, लेकिन सिक्योरिटी का तो एक नेटवर्क होता है, एक सिस्टम होता है। मैं हैरान इस बात पे हूं, उतने महत्वपूर्ण रोड पर ये ड्रामा हो कैसे गया, और भरी दोपहर में ड्रामा, फिर कौन सुरक्षित रहेगा ये सवाल उठता है, फिर सुरक्षित कौन रहेगा? जैन साहब। जी सर, जी सर, जी सर, आप इसमें रिएक्शन होने में पुलिस की तरफ से, प्रशासन की ओर से कोई चूक और कोई देर नहीं हुई, तुरंत उनको डिटेन किया गया, तुरंत उनको जेल भेजा गया, और जहां तक रिपोर्ट लिखवाने वालों की बात थी, उन्होंने रिपोर्ट लिखाने में जितनी देरी करी, नाम बताने में जितनी देरी करी, उतनी मैं समझता हूं कि देर हुई होगी, उससे अधिक नहीं है, नहीं तो अगर कोई ऐसी फैसिलिटेशन की बात होती है तो वो जेल जाने से बच जाते हैं। आज वो जेल में है तो उसका मतलब यही है कि पुलिस ने अपना काम तत्परता से किया और आज वो जेल में है। जी ना, आप जिस तत्परता की बात कर रहे हैं वो तत्परता तब मजा आता जब आपसे आपकी बात ना मानने के बाद, माननीय हरीश रावत जी के कार में बैठने के बाद इस बात की सूचना तुरंत देहरादून पुलिस को होती कि देखिए साहब, वहां पे कुछ एक जिद्दी किस्म के, दबंग किस्म के लोग हैं, जिनकी गाड़ियों के जो नंबर हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं, तीनों लग्जरी गाड़ियां पजेरो हैं, तीनों में जो लोग बैठे हैं वो इस तरह की दबंग नियत के हैं, और केंद्रीय मंत्री जी के प्रोटोकॉल को भी नहीं माना गया, कुछ हो सकता है, जरा आप देख लीजिएगा। और निशंक जी के घर में ये मारपीट, ये गुंडई, ये ददुआई, तथा कथित तौर पर जो आरोप लग रहे हैं, ये अगर ना हुई होती तो मैं आपकी पुलिस की तत्परता को मानता। जुगराम साहब, मैं सही कह रहा हूं क्या संक्षेप में? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर तो है ही, ये एस्टैब्लिश हो गया है। राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, पूर्व मुख्यमंत्री के दो दो आवास उस रोड पर हैं। हाँ। निश्चित रूप में फेलियर है। हाँ। लेकिन पुलिस ने तो, मेरा ख्याल, जो हमारी जानकारी है, कुछ लोगों को अरेस्ट कर भी लिया। हाँ। लेकिन राज्य सरकार के संरक्षण में ही उन लोगों को छुड़वाया भी गया है, ऐसा जानकारी में आया है। हाँ। अब जहां तक आरोप प्रत्यारोप की बात है, किसी का पक्ष लेने की कोई बात नहीं है, निष्पक्ष इंक्वायरी हो जाए, मिलीजुली सरकार चल रही है बीएसपी और कांग्रेस की, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, और फैक्ट आ जाए साथ में और इसकी पुनरावृत्ति ना हो, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि कोई भी, कल तो हथियार चल रहे थे तो किसी के, तो एक छात्र नेता के साथ घटना घड़ी है, राजनीतिक आदमी था, उसके साथ ये घटना हुई तो इतना हल्ला मच गया, इतना आप लोग मीडिया में आ गया मामला, पूर्व मुख्यमंत्री निवास के, कोई आम आदमी होता शायद उसको मार के फेंक भी दे सकते थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश उठा के ले जा सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ये आशंका, ये आशंका नसीमुद्दीन जी की, ये गुंडई जो है या उनके फॉलोअर्स की, उनके समर्थकों की, ये टॉलरेट करने के लिए कम से कम उत्तराखंड की जनता जो तैयार नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और गुंडई किसी की भी हो, अपराध किसी का भी हो, किसी को भी सभ्य समाज में उसको टॉलरेट नहीं करना चाहिए, उसका घोर प्रतिवाद होना चाहिए। और ऐसे गुंडई और ददुआई अगर वहां हुई है जैसे आरोप लग रहे हैं और जांच में साबित होता है तो उन लोगों को उचित सजा मिलनी चाहिए। अमिताभ जी, संवाद की टिप्पणी। देखिए, मैं तो फिर वही बात कहूंगा, ये पूरी कहानी डेवलप क्यों हुई? अगर मंत्री के साथ जो कारवां था, उनको लगा ये संदिग्ध लोग हैं, दबंग लोग हैं, सामान्य शिष्टाचार का निर्वहन भी नहीं कर रहे, यहां की गाड़ियां भी नहीं है, गाड़ियां भी बड़ी बड़ी हैं और लड़के भी तंदुरुस्त हैं, इतने कारण पर्याप्त थे पुलिस के लिए उनको निरुद्ध करने के लिए। इंट्रोगेशन होता थाने में बैठा के, इंट्रोगेशन में पाक साहब पाए जाते, छोड़ दिए जाते, अगर गाड़ी में असला मिलता तो उठा के अंदर हो जाते। मैंने तो यही देखा इतने वर्षों में, ढाई दशक में, प्रधानमंत्री निवास के बाहर आप घूमते, चार बार चक्कर काट लीजिए आगे पीछे का, अंदर हो जाएंगे, और साढ़े चार घंटे पांच घंटे इंट्रोगेशन हो जाएगा आपके पुरखों तक का, तब आप छोड़े जाएंगे। इसमें कल्चर का सवाल कहां से आ गया? कल्चर तो भारत का भी बहुत अच्छा, अतिथि देवो भव, पूरे भारत का ही कल्चर है। लेकिन सिक्योरिटी थोड़े ना दांव पे लगा देंगे कि कल को कोई केंद्रीय मंत्री को धक्का दे, बोले हमारे मंत्री जी की कल्चर ऐसी है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, धक्का मार दिया, कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं। लेकिन वो आदमी जिसको आपने छोड़ा वो दूसरी जगह जाके बवाल करेगा। इसलिए मेरा कहना था चूक वहां पर हुई, ये चूक संभव नहीं होनी चाहिए। और आपने खुद स्वीकार किया कि हमने उस वक्त उनसे कहा तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हटाते जाओ,
इतना ही पर्याप्त था कम से कम उनको कस्टडी में लेने के लिए? उनका आइडेंटिफिकेशन हुआ क्या? वो कौन लोग हैं? अरे उनके साथ कोई दो चार पुलिस वाले तो होंगे ना जब हरीश रावत मूव कर रहे होंगे, या ऐसे खाली घर से सो के उठे और चल दिए, बोले चलो घूम के आते हैं, ऐसा तो था नहीं। क्या उनके साथ जो सुरक्षा थी उसने इस बात की जरूरत समझी? ठीक बात, इसलिए ये चूक हुई। और अपराध किसी का हो उसको क्षमा नहीं मिलनी चाहिए, अपराध हुआ है तो उसकी सजा मिलनी चाहिए जी। अगर अपराध हुआ है तो उसकी सजा मिलनी चाहिए, जांच भी मुकम्मल तरीके से निष्पक्षता से होनी चाहिए, और अपराधी कोई भी हो, कितना भी बलशाली, कितना भी ताकतवर, कितना भी रसूखदार हनकदार क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और दोनों तरफ से जो आरोप प्रत्यारोप अब लग रहे हैं, उम्मीद करते हैं कम से कम अब स्तरहीन आरोप और प्रत्यारोपों को जो दौर है वो जरूर थमेगा। बहुत धन्यवाद जैन साहब, जुगरान साहब, अमिताभ जी बहुत शुक्रिया आपका, जनता जनार्दन आपका ही बहुत धन्यवाद। आपके अपने चैनल समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।